लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। झारखंड में मतदान का यह दूसरा चरण है। इसके अलावा कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहे हैं। झारखंड में गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए दोपहर 1 बजे तक 40.38% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। दोपहर 2 बजे भी विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। खासकर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के 5वें चरण की वोटिंग के बीच दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5वें चरण के मतदान में भाजपा के पक्ष में लोगों का रुझान है। देश की जनता INDIA की सरकार नहीं देखना चाहती। राष्ट्रीय हित में लोग फिर मोदी जी पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। देखिए, सब लोग निर्भीक होकर के, भयमुक्त होकर के और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व होता है और अपने हाथों से अपना और देश के भाग्य को लिखने का एक अवसर मिलता है, इससे किसी को भी वंचित। राज्य में क्या स्थिति रहेगा लोगों को, जो मैं कहता हूँ गरीब वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ते हैं। राज्य में क्या स्थिति रहेगा सर? राज्य में बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब जगह लोग लाइन लगे। 14 सीट का क्या? 14 के 14 सीट और गांडे एक विधानसभा का उपचुनाव है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। 400 पार का नारा जो है सफल हो पाएगा? देखिए, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। पहले भी अगर आप देखें तो 303 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की, NDA गठबंधन को 353 सीट थे, अब 47 सीट है तो आगे बढ़ना है। और वो 47 सीट कुछ यूपी में बढ़ जाएगा, कुछ बंगाल में बढ़ जाएगा, कुछ साउथ में बढ़ जाएगा, तो 400+ हो जाएगा। अभी तो मतदान शुरू हुआ है सर, अब क्या किस चीज़ के लिए भाजपा को वोट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया गरीब, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा की सुविधा हो, अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज कराए, चाहे कोई व्यक्ति भूखे नहीं सोए, प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना, और उसके साथ साथ विकास के कई काम हुए हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, देश की मान सम्मान भी दुनिया में बढ़ रही है। तो आम लोगों को इस बात की पता है कि भाई हमें देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को। मतदाताओं को कुछ संदेश है? नहीं, मतदाताओं को तो मैंने कहा कि भाई 5 साल में एक बार होता है लोकतंत्र के महापर्व, और ये इससे बढ़िया अवसर क्या होगा कि हम अपने हाथों से हम मतदान करके अपना और देश का भाग्य को गढ़ते हैं, बनाते हैं, इसमें से किसी को छूटना नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।